इन दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली है। पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। हमें खुद ही यहां से निकलने की कोशिश करनी होगी। फिर से कोई आवाज? हम देख कर आते हैं एक सेकंड। अरे रुको बेटा, तुम्हारी मम्मी ना स्टोर रूम की सफाई करवा रही है, तो कुछ सामान गिर गया होगा। तुम पूजा बहू को लेके अस्पताल जाओ। अरे देखो ना कैसे दर्द से कराह रही है, लेके जाओ उसको। जी 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 बुआ जी, चलिए। चंदा चंदा, हाँ चंदा, एक काम करो, अब ये पैसे लो और बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। मालकिन सारी सब्जी कल ही ले आए थे हम। जितना कहा है उतना करो, बाजार जाओ और एक हफ्ते की सब्जी लेकर आओ। अच्छा सुनो, जाने से पहले दरवाजा ठीक से बंद करके जाना और वॉचमैन से कहना किसी को अंदर ना आने दे। सुरेंद्र जी एक मिनट। जी डॉक्टर साहब। बिजली के झटके और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनके दाहिने हाथ पर लकवा मार गए। भैया पहुंच गए। अरे यार तुम्हारी भाभी फाइल तुम घर ही भूल गए। यार एक काम कर, तू गाड़ी घुमा ले, वो डॉक्टर फाइल के बिना मानेगा नहीं। नहीं भैया, आप एक काम करिए, आप अंदर चलिए हॉस्पिटल के, हम घर जाके फाइल लेकर आते हैं। जाइए। चल ठीक है भाई, एक मिनट आया मैं। आराम से भाई, जल्दी आ। चंदा ध्रुव जी, धानी ध्रुव जी, धानी दरवाजा खोलो। चीची ये तो ध्रुव की आवाज है, और धानी ने अगर ध्रुव को बता दिया तो। धानी, धानी,